गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएसपी क्लासेस। आज हम देखेंगे अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमारे शरीर को ब्रेन कंट्रोल करता है, तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है, ये तो हमने कल देख लिया था। इसके अलावा भी हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन उपस्थित होते हैं और वो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखेंगे, उनसे निकलने वाले हार्मोन देखेंगे और उनके कार्य देखेंगे। ठीक है, प्रत्येक ग्रंथि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ग्रंथि का नाम, हार्मोन का नाम और उनके कार्य तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो एनसीईआरटी से कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। ये देखो, ये है अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखो सबसे ऊपर दे रखी है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि क्या करती है याद रखना, ये मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। कई बच्चे होते हैं जिनको सुबह सोने की आदत होती है, सुबह लेट तक सोने की आदत होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रात को लेट तक पढ़ने की आदत होती है, किसी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत होती है। तो ये जो सब है, सोने और जागने का जो चक्र है वो हमारा पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। और ये हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, अभी बताया, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो दिमाग में, ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथियां मिल रही है, पीनियल ग्रंथि, फिर है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, नर और मादा में दोनों में समान है, इसमें भी है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जीएच जिसको बोलते हैं। इसकी कमी से बोनापन आ सकता है और इसकी अधिकता से गैंगेटिज्म। ठीक है, एक विशाल का ये जो शरीर है वो पैदा हो जाता है, इसको बोलते हैं गैंगेटिज्म, गैंगे। ठीक है, और कमी से जो है वो क्या आ सकता है, ड्वार्फिटिज्म। ठीक है, या फिर बोनापन। क्लियर, पीयूष ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि इसलिए कहलाती है क्योंकि ये बाकी सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, ये जब उनको कहेगी तभी ये ग्रंथियां क्या करेंगी, हार्मोन रिलीज करेंगी। ठीक है, इसके कहने पे ये हार्मोन के स्रवण को कम भी कर सकती हैं और ज्यादा भी कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमने पढ़ा था समन्वय में कि जो ब्रेन होता है उसका ये एक हिस्सा भी है। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन सब पार्ट्स थे, कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। फिर मध्य मस्तिष्क का कोई हिस्सा नहीं था, फिर था पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के भी तीन पार्ट देखे थे हमने, कौन कौन से थे, सेरिब्लम, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों देखे थे। हाइपोथैलेमस जो है इसको मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर की मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि है उस पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH को रिलीज करती है जो कि ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है, GnRH। ठीक है, GnRH की फुल फॉर्म लिख लेना, गोनेडो। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके हिस्से होते हैं, ये अग्र और पश्च दो भागों में डिवाइड होती है, लेकिन टेंथ लेवल पे उतना है नहीं, सिर्फ एक ही हार्मोन याद रख लोगे तो चल जाएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन, पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन, हाइपोथैलेमस, GnRH। फिर देखो आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि जो होती है इसको समझो पहले, ये होती है थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में स्थित होती है। ये क्या करती है, आयोडीन की लेवल को बैलेंस करती है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, गोइटर, गलगंठ नाम की बीमारी तुमने सुनी होगी, गलगंठ। ठीक है, गले में सूजन आ जाती है, गला एकदम लटक जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगी, गलगंठ बीमारी हो जाएगी। ठीक है, और ये किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से, इसलिए बोलते हैं ना आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। अब पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको नमक वाली डाइट नहीं ले पाते, वो उनके नमक उनमें जो वो रोटी खाते हैं उसमें आयोडीन वाला नमक नहीं होता, इस कारण उनमें जो है वो गोइटर देखने मिलता है, गोइटर इसका इंग्लिश नाम है, बाकी इसको गलगंठ भी बोलते हैं। फिर पैरावटू ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, ये जो है ये थायरॉइड ग्रंथि के चारों तरफ प्रेजेंट है।
ठीक है, चार कोनों में प्रेजेंट है, और ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, पैराथायरोक्सिन जो हार्मोन है, इसकी कमी से भी कई बीमारियां होती हैं। ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है हमारे शरीर में, ठीक है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। फिर है थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। देखो समझो, थाइमस जो ग्रंथि है, ये हमारे शरीर का एक तरीके का प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रतिरक्षा तंत्र में कोशिकाएं होती हैं, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं, इसी से ही हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, और इनको बनाने का कार्य कहाँ होता है, थाइमस में होता है। ठीक है, तो अगर थाइमस ग्रंथि किसी की कमजोर है, और पता है इस ग्रंथि की खास बात क्या है, ये जो है उम्र के साथ में छोटी होती जाती है, ठीक है, तो जो एज्ड लोग हैं तुम्हारे घर में, दादा नानी है ना, ये सब जो लोग हैं, इनकी जो थाइमस ग्रंथि है वो तुम्हारी की तुलना में क्या है, छोटी है, तुम्हारी बड़ी है थाइमस ग्रंथि। इस वजह से उनकी इम्यूनिटी, उनका प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, कमजोर है। अगर उनको जुखाम भी होगी तो सही होने में थोड़ा समय लगेगा। इसी उम्र में डॉक्टर उनको मना करता है ऑपरेशन करवाने से, क्योंकि फिर उनको टाइम लगता है ना सर्जरी करवा के रिकवर करने में, लेकिन तुम्हारी उम्र में तुम जल्दी रिकवर कर जाते हो, क्योंकि थाइमस ग्रंथि जो है वो लार्ज इन साइज है, बड़ी है। ठीक है, तो इसका थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है ये, और ये हमारे शरीर की क्या है, बी और टी कोशिकाओं को बनाने वाली ग्रंथि है। फिर देखो नीचे, ये सारी क्लियर हो गई, पीनियल, प्यूस, हाइपोथैलेमस, थायरॉइड, पैराथायरॉइड और थाइमस। ठीक है, अब देखो आगे कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, आगे इसके आगे देखो, इसके नीचे की तरफ आओगे, जब तुम किडनी के ऊपर की तरफ, तुम्हें टोपीनुमा ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये किडनी है, ठीक है, इसके ऊपर ये टोपी जैसी जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, दो होती है, जोड़ी में होती है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, यानी अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि ये वृक्क के ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसका कार्य क्या है, इसको 3F ग्रंथि भी बोलते हैं, पता है 3F इसको क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये जो है फियर, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में रिलीज होती है। मान लो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम सोचोगे थोड़ी कि भागना है कि नहीं भागना है, तो जो फियर, डर लग रहा है, ठीक है, फाइट फ्लाइट, इमरजेंसी कंडीशन में जो भी हार्मोन तुम्हारे अंदर रिलीज होते हैं, उस समय कौन सी ग्रंथि से होते हैं, अधिवर्क ग्रंथि से, ठीक है। और इसके हार्मोन का नाम पूछे तो क्या बताओगे, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ठीक है। सारी ग्रंथियों के हार्मोन प्लीज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर देखो ये बीच में जो तिल्ली जैसी ग्रंथि दिख रही है, ये है पैनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, अमाशय तो पेट को बोलते हैं, अग्नाशय किसको बोलते हैं, पैनक्रियाज को, है ना। अब ये जो है, ये एक बिग्जोक्राइन ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। इसको बहिस्त्रावी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम उत्प्रेरक रिलीज करती है। जब हमने मानव में पाचन देखा था, तो उस समय हमने देखा था कि अग्नाशय जो ग्रंथि है वो क्या करती है, पाचन एंजाइमों का छोटी आंत में सिक्रेशन यानी स्त्रवण करती है। जैसे एंजाइम, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, और इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन, ये सब जो एंजाइम है ये सारे किस में होते हैं, पैनक्रियाज में होते हैं, इसका मतलब अग्नाशय में होते हैं। अग्नाशय में इसके अलावा हार्मोन भी होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं अग्नाशय में, याद रखना, इसके पास में 3 टाइप की कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है, और वो तीनों टाइप की कोशिकाएं हार्मोन बनाती हैं। जैसे मैं मान लो यहाँ पे पैनक्रियास बना रही हूँ, इसमें 3 टाइप की कोशिकाएं हैं, अल्फा और बीटा और गामा। गामा तुम्हारे लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ 2 याद रखनी है, अल्फा और बीटा। अल्फा जो है वो क्या रिलीज करेंगी, इंसुलिन, क्या रिलीज करेंगी, इंसुलिन, और बीटा कोशिकाएं क्या रिलीज करेंगी, ग्लूकेगोन। तो 2 हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकेगोन, ये जो है ये किसमें स्त्रावित किए जाते हैं, अग्नाशय में, अग्नाशय से। इनका कार्य क्या होता है, ये शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुमने ज़्यादा खाना खाया तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा, क्योंकि शरीर जो है वो बड़ी चीज़ों को, जटिल चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ेगा, तोड़ के वो ग्लूकोज बनाएगा। अब ग्लूकोज का नंबर जो है वो शरीर में बढ़ने लग गया, तो उस ग्लूकोज के नंबर को कम करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, इंसुलिन, ठीक है। और अगर नंबर ग्लूकोज का कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, ग्लूकेगोन। तो इंसुलिन और ग्लूकेगोन हमारे शरीर में किसके लेवल को मेंटेन रखते हैं,
ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। और इनकी कमी से क्या हो जाएगी, डायबिटीज। शुगर का नाम तुमने सुना होगा, तो शुगर जो बीमारी है वो अग्नाशय की बीमारी है, क्लियर। आगे देखो, अब इतनी ग्रंथियां तो नर और मादा में तुम्हें सेम दिख रही है, ये जो ऐसे हो गया है इस पे ध्यान मत देना, मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि हमने सबसे ऊपर शुरू किया था ब्रेन से, ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन रिलीज करती है, मेलेटोनिन सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी कमी से बोनापन और इसकी अधिकता से गैंगेटिज्म आ जाता है। फिर हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे भूख और प्यास का केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा ये ग्रंथि भी है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। छोटे बच्चों को कोई चीज़ याद करवाते हैं ना, जैसे बोलते हैं पाँच बार बोल के देखो या फिर पाँच बार लिख के देखो, तो वैसे तुम्हें पाँच बार बोलोगे अपने आप मिरर के आगे तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है आउटु ग्रंथि जिसको बोल रहे हैं, बहुत ही अजीब सा नाम है, ये जो है ये क्या रिलीज करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, और इसकी कमी से हो जाएगा गलगंठ, गलगंठ में ठ आएगा, मैंने ड लिख दिया, गलगंठ, ठीक है, सही करते हैं इसको, अब सही है, गलगंठ, ठीक है। फिर है पैरावटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि जो है पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी और ये जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। फिर देखो थाइमस ग्रंथि जो कहाँ उपस्थित होती है, हमारी चेस्ट में उपस्थित होती है, वक्ष गुहा में उपस्थित होती है, गले में थायरॉयड थी उसके नीचे थाइमस होती है। थाइमस ग्रंथि जो है ये दिख रही है, थाइमस ग्रंथि ये क्या रिलीज करेगी, थाइमोसिन हार्मोन, और ये जो हार्मोन है हमारी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएँ हैं उनके निर्माण में सहायक है। और वो कोशिकाएं कौन सी हैं, बी और टी कोशिकाएं, यानी जो तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र है जो तुमको रक्षा करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, वो जो है वो थाइमस ग्रंथि पे निर्भर है। अब आगे देखो, नीचे की तरफ आएंगे तो हमें वृक्क दिख रही है और वृक्क के ऊपर की तरफ दो ग्रंथि है, इसलिए इनको अधिवृक्क बोलते हैं, अधि मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ है। फिर देखो इसके पास में अग्नाशय दिख रहा है, अग्नाशय से जो ग्रंथि निकलती, अग्नाशय तो खुद एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इससे जो हार्मोन निकल रहे हैं वो दो हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकेगन, ठीक है। इंसुलिन का तो तुमने नाम भी सुना होगा, शुगर के पेशेंट जो होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, है ना। अब देखो एनसीईआरटी पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्त्रावित होता है, एड्रिनल से इसने शुरू कर दिया कि अधिवर्क ग्रंथि में स्त्रावित एड्रिनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। और इसकी स्थिति को जानने के लिए आप क्या देखो, चित्र देखो। अरे चित्र देखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी स्थिति हमको पता ही चल गई है कि ये जो है ये किडनी के ऊपर की तरफ होती है, अधिवृक्क ग्रंथि इसको बोलते हैं, और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट उत्तकों पर कार्य करता है। हृदय जब भागते हैं, दौड़ते हैं या फिर डरते हैं हम कोई भी चीज से, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, नॉर्मल तो बेहतर पर मिनट बेहतर बार धड़कता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कई बार किसी को देख के भी बढ़ जाती है ना, ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। क्योंकि धड़कन इसलिए बढ़ती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए क्या है, धड़कन बढ़ेगी, जल्दी जल्दी रुधिर का क्या होगा, ट्रांस परिवहन होगा। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देता है, पेशियों की तरफ कर देगा। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशियों में संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब हम डरते हैं तो श्वसन दर, हृदय दर, ये सारी दर बढ़ती हैं। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए क्या करती हैं, तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। पहला मार्ग तो क्या था, ह्यूमन
ब्रेन तंत्रिका तंत्र कि तंत्रिका जो है एक से दूसरे को मैसेज लेके जाती है और फिर जो है हमारा शरीर कंट्रोल होता है। दूसरा तरीका है मैसेज लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जो मैसेज है उसको रुधिर में छोड़ दो और रुधिर जो है वो पूरे शरीर में घूमता ही रहता है। स्मरण कीजिए कि पादपों में भी तो हार्मोन होते हैं, पड़े थे हार्मोन, ठीक है। अगर किसी को आते हैं तो शाबाश, कमेंट सेक्शन में मेरे को उन हार्मोन के नाम जरूर लिख के बताना, वो चार हार्मोन एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमने पादपों में भी हार्मोन देखे थे जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, अभी मैंने सबके कार्य तुमको बताए हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। इन हार्मोन की जो दिशा है वो कोई निश्चित नहीं है, वो किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा गया। ऐसा तो होता नहीं कि कोई प्रकाश में मनुष्य बैठा है तो उसने एक दिशा में क्या कर ली, वृद्धि कर ली। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। मानव में भी कुछ निश्चित स्थानों पर ही वृद्धि होती है, हमेशा अनिश्चित नहीं होती। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगा सकते क्योंकि उंगलियों का एक निश्चित स्थान ही तो है, ठीक है। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी पूर्वक अनुरक्षित की जाती है। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। अरे परीक्षा में तो हार्मोन आएंगे। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन से संवर्धित नमक या फिर आयोडीन वाला नमक लिखा होता है, ऐड आता है ना। तो ये जो आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है, अभी बताया, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो है वो आयोडीन की कमी से उसमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, कौन सी, गलगंठ, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध करवाया जा सके, ठीक है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, ऑप्शन नहीं है, अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गोइटर से ग्रसित है। इसका दूसरा नाम बताया, गलगंठ से क्या है, ग्रसित है, ठीक है। तो इसमें बीमारी, इसका लक्षण क्या है, गर्दन जो है वो फूल जाएगी। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बोने होते हैं, ये अधिक लंबे नहीं होते। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनमें पीयूष ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन उसमें कम सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, शरीर की वृद्धि और विकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यदि बाल्यावस्था में इसकी कमी हो जाए तो क्या आ जाएगा, बोनापन, और अगर अधिकता हो जाए तो क्या आ जाएगा, गैंगेटिज्म। अब आप अपने दोस्तों की आयु 10 से 12 रही होगी, आप अपने और उनके अंदर नाटकीय अंतर देखिए, यौवनावस्था से जो प्रारंभ होते हैं, ठीक है, ये जो अंतर है ये भी ग्रंथियों के कारण ही होते हैं, ठीक है। 13 से 14 की उम्र में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, नर में और मादा में। नर में कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन, और मादा में कौन से होते हैं, नर में जो है वो वृषण वाला हिस्सा इनको रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, वृषण, और मादा में अंडाशय, ठीक है, ओवरी वाला हिस्सा। मादा के हार्मोन है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोन। तो नर और मादा के हार्मोन तुम्हें याद हो गए होंगे, ठीक है। अब मधुमेह बीमारी जो बताई है मैंने किसके कारण होती है, अग्नाशय जो ग्रंथि है उसके इंसुलिन की कमी के कारण। उपचार के रूप में डॉक्टर क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं, ये तुम लोग पढ़ के देख लेना, जो मैंने बताया वही है, ठीक है, जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है जो रुधिर में शर्करा स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इसकी उचित मात्रा में स्रावित नहीं होने पर रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और जो कि क्या है, हानिकारक है, ठीक है। यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रवण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है, एक क्रियाविधि जो है ये दे रखी है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है एनसीईआरटी का, इसमें देखो हार्मोन दे रखे हैं, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि करता है, कार्य पता चल गया। फिर देखो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन आएगा यहाँ पे, थायरोक्सिन, ठीक है, शरीर की वृद्धि के लिए और उपापचय का नियमन करता है। फिर इंसुलिन कौन रिलीज करता है, अग्नाशय, कहाँ उपस्थित होती है, अधिवर्क ग्रंथि,
है ना, सॉरी अग्नाशय कहाँ है, अग्नाशय के अंदर इसकी अल्फा कोशिकाओं से जो है ये रिलीज होगा अल्फा। रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन, टेस्टोस्टेरोन अभी बताया वृषण रिलीज करेगा, नर में लैंगिक लक्षणों का विकास, लैंगिक लक्षणों का विकास, नर में लैंगिक लक्षणों का विकास जो है वो टेस्टोस्टेरोन करता है। अंडाशय कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है भर लेना इसको, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन, मासिक चक्र अब अगले पाठ में देखेंगे, आठवें पाठ में क्या होता है। एड्रिनलिन जो है एड्रिनल ग्रंथि रिलीज करती है और इसका कार्य क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में ये क्या करती है, रिलीज करती है, यानी इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी ही लिख लो कंडीशन, ठीक है। जब डर लगता है तो हृदय दर को बढ़ाने के लिए, श्वसन दर को बढ़ाने के लिए, इन सब में कौन रिलीज होता है, एड्रिनलिन। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि में हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है। मोचक हार्मोन कौन से होते हैं, अभी जो बताए हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, किससे होते हैं, हाइपोथैलेमस। मोचक की जगह यहां लिख सकते हो GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि में हार्मोन के स्त्राव को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, ठीक है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है अभी देख लिया। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन सीमित मात्रा में रिलीज हो सके। जब एड्रिनल रुधिर में स्त्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, हमारी हृदय दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, क्योंकि वो शर्करा का स्तर जो है वो बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी के कारण, इसलिए इंसुलिन जो है वो बाहर से देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर घर में ख़त्म हो जाएगी तो बाहर से लानी पड़ेगी, वैसे ही अगर शरीर में कोई चीज़ कम बन रही है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये इंग्लिश में ही मिला मेरे को ये चार्ट, इसको एक बार बना लेना। देखो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसके हार्मोन के नाम दे रखे हैं। अब कई बच्चे जो है वो ग्रोथ हार्मोन के अलावा भी कुछ हार्मोन के नाम अगर जानना चाहते हैं तो देखो ग्रोथ हार्मोन एक तो काफ़ी है ही, इसके अलावा ये TSH हार्मोन भी रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन, ठीक है मादाओं में मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एंटीडायुरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। फिर हाइपोथैलेमस जो मैंने GnRH बताया वो तो है ही है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद है पीनियल मेलेटोनिन, थाइमस थाइमोसिन, पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड थायरोक्सिन, पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकेगोन, एड्रिनल एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन, कोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन, इसके अलावा भी ये कई हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन और ओवेरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है समझ में आया। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मानव में जनन, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन को समझेंगे। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।